पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, और यह लोकतर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो श्रेष्ठ परमात्मा जो सर्वपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और यह लोकतर्यम अविश्य विवर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, पूरे पेड़ को मूल से ही परवरिश आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रतनहार सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धारणक रूप में आए थे, उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है। उस विधान अनुसार जो चलेगा उसको जैसा भी यहाँ का जो कर्तव्य है लाभ है उस अनुसार उसको मिलता रहेगा, उसको उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा उसको अप्लीकेबल कर लेगा उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूँ। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो यह कहे कि वो पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई अन्य है, और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है, ये श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये विष्णु नहीं है, श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है, इनके अंदर इनका पिता जो सर्वपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहा है, वो खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में प्राप्त खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। मैं अपने 4वें अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये किसी में सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये सर्वपुरुष दे रहा है, और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें जिस इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूँ, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है, और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूँ। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है, उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और
अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है, लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय ये सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण करने वाला, जिसकी सबसे जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, सर्व उत्पादक प्रभु है, ऊपर सतलोक में रहता है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और अक्षर पुरुष ये तना है, सरपुरुष ये काल जो गीता का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये एक शाखा है, एक मोटी डार है, आगे 3 शाखा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश समझो और पात रूप संसार। तो ये स्वयं बताना चाहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो इन सभी विभागों को बताता है, जैसे 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्म ने मुखे, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उचरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले इसमें लिखता हूँ, वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है आकर के, उसकी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया जाता है, कबीर वाणी में, उस वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, भगवान तो वो होते ही होते हैं। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। तो जड़ कौन है? वो जड़ की ऑप्शन छोड़ गया परमात्मा, क्योंकि अपने इस दास को भेजा है कि जड़ ये कबीर साहब है, वो अल्लाह अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ है उस सारे संसार की। तो यहाँ ये भी बताया कि उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से जो परिचित है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, यानी तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन माम आश्रिते यतन्ति ते, ये तत्ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्म अखिल च कर्मम कर्मम च अखिलम। इसका अर्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार मान के तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल वो उस तत्ब्रह्म से और सारे दत्तम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख और मरण माने मृत्यु, इस बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने के प्रयत्न कर रहे होते हैं वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया है। उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं,
सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और यहाँ सब कर्मों से परिचित हैं। वो केवल यह संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो केवल जरा और जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब आठ में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर एक में अर्जुन ने पूछा, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मान रहा था, ऐ जय विष्णु, और ये तो कहता है पुरुषोत्तम कोई और है, फिर भी जो ये तो अर्जुन की सोच है किम पुरुषोत्तम। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा कि वो तत् ब्रह्म क्या है, वो कौन है जिसके जानने के बाद केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्राणी प्रयत्न करता है साधक, और कोई वस्तु की डिमांड इस लोक की नहीं करता। इसका भाव ये है, गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर तीन में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। इसलिए आठवें अध्याय के पांच और सात श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझ में आस्था रख, भावत रह, मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बताता आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म की, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम जो श्री छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक मिलता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में, उनके वहाँ जाने के बाद भी लौटकर जन्म मृत्यु में प्राणी आते हैं। ये वो स्थान नहीं है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं, कभी नहीं आते। 15 जाएंगे जो चौथे श्लोक में कहा है। तो इस ब्रह्म की साधना करने से भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में होते हैं, जन्म मृत्यु होता है। इसलिए 18 अध्याय के 62 श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की ही कृपा से। और उसका मंत्र बता दिया 17 के 23 श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस लोक की प्राप्ति का जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उसके वो मंत्र है ओम तत् सत। अपना तो गीता ज्ञानदाता ने 8 अध्याय के 13 श्लोक में बता ही दिया कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम मंत्र है, ये तो इनकम्प्लीट साधना है, ब्रह्म तक की है, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बताया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहाँ जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सतलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, सतलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका मंत्र है ओम तत् सत। ओम तत् ओम तो सर्वपुरुष का, इस ब्रह्म का, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का साधना मंत्र है, और सत तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं, ये अन्य मंत्र है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का साधना मंत्र है, वो कोड वर्ड है। ओम तत् सत, ओम तत् सत ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये अन्य मंत्र हैं जो इस विश्व में दास के पास उपलब्ध हैं और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से वो मंत्र प्राप्त करके कोई स्वयंभू संत बनकर ये प्रदान करता है, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, और जिनको वो नाम दे रहा है वो अधिकारी नहीं है। जैसे अनाधिकारी से बनवाया हुआ लाइसेंस या पासपोर्ट समय पर धोखा देगा और दंडित होना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेना, यदि कोई ऐसा जालिम व्यक्ति ऐसे जागरूक समय में भी ये प्रयत्न कर रहा हो, तो वो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर,
और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का, और ना माने कुएं में पड़े तो भाई जानबूझ। परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजे करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुशलात, हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा फिर कुएं में गिरने लग रहा है तो वो होश में नहीं है, वो व्यक्ति कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है। वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य करना कि ये व्यक्ति जो आप गुरु बनाए बैठे हो, ये गुरु ठीक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई स्वयंभू संत बनेगा तो उसको अनधिकारी है, वो डुप्लीकेट जाली लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, क्योंकि इस मंत्र के आधार से ये हमारा यहाँ का पासपोर्ट है, जिसके आधार से हम स्वलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे। और इसका पता चलेगा जब मृत्यु के बाद, जब जाएंगे प्लेटफार्म पर इसको लेकर के, वो सुविधा तो मिलेगी नहीं, सजा और मिलेगी, दंडित कर दिए जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस तीन मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है, डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला है, आदेश भी और निर्देश यानी ये दिशा भी दे दी। अब उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जो प्रसंग चला था कि सातवें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो ये प्रकरण चलता है सातवें अध्याय के प्रथम मंत्र से ही, और उसमें कहता है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है, इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, अपने आत्माओं ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं, ये बहुत बार प्रमाणित भी किया, श्री मद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3 स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे हम तीनों नाशवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ, मैं तमोगुण हूँ, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य ही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सर्वपुरुष इस काल की ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं और यही तीन देवता हैं, यही तीन गुण हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और एक मुंबई से प्रकाशित है एक खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3 स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दयायुक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद्भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं,
ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहाँ थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी अरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रह्लाद का शत्रु बन गया, ऐसे कैर ढाए उस प्यारी आत्मा पर, कुत्ते वाली मौत मारा गया, असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हरणा कुछ छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे कैर तोल दिया उस बालक के ऊपर अपने पुत्र पर, इन मान बड़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा, नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख या जल आदि के काम करे उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते ब्राह्मण हिरणा कुछ छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है, और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर ऊपर को सिर नीचे को पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा, उसने वहाँ पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता आपका पुजारी, इसको देव और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी क्या मांगता है, ये गिरीपुरी नाथोगण ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। तो जब भगवान शिव ने कहा कि मांग क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगूं। भगवान शंकर ने कहा सोचा ले मांग लेगा, जो मांगेगा भगत है, क्या मांगेगा, ये कोई सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, भगवान शिव ने कहा। तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था उस घड़े के उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म कह दिया, बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था, उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने, और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे, वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर, अभी बताता हूँ। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे ज्यों ही, और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कहकर के ज्यों ही भगवान शिव की तरफ वो चला, तो भगवान शिव ने वहां से खखा उठा दिया,
यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी पुण्यात्माओं। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी माँ के तुल अपनी माँ के ऊपर बुरी नज़र किए हुए वो पापी आत्मा बसमा गिरी, तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस पर उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था, तो ये अविनाशी भी नहीं थे। अविनाशी थे कबीर परमात्मा, उनका सुनाएंगे कथाएं, उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे, जंग बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में वहाँ नहीं मरे, और भी बहुत प्रहार किए, परमात्मा ज्यों के त्यों रहे क्योंकि वह अविनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। विष्णु भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिव जी ने मारूंगा जब वह मेरा काम शुरू होगा, पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आ जा दो मिनट बैठो। अब वो तो उद्देश्य ये लेकर चल रहा था, उसने सोचा चल ठीक है दो बात कर लेते हैं पहले ही, तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। शिव उस भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूँ मैं, तो उसने पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से उरा शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया, तो वहाँ भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूँ तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूँ, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूँ, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे करो। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें, जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी उसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने, उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई उस शंकर भगवान की, भस्मागिरी की राख को देख करके। अपने आत्मा उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक, गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा वैष्णव उपासक, विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था, कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ, उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है, उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहाँ जाकर के जहाँ पर भी लगती है जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी, तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से कनपाड़े अलग नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहाँ अपने अपनी जमात में अपने ग्रुप में समूह में पहुँच जाते हैं।
इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं, उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पर स्नानार्थ। तो जो ही ये सब छा गए उस घर की पैड़ियों पर, हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से वैष्णो साधु शिवजी या विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णो संत आ गए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, नी इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और कड़े ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सिरड़ फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख रपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करें। इसी बात पर उन नागाओं तमोगुण उपासक और वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा, एक दूसरे को काटने लग गए, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे, गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौओं का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी और जम धड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, वहाँ जा कर्द चलावे हैं और काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, कि वह गुट्टी उन पावेंगे जो इनके शिष्य बनेंगे, ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए, अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हों 10-20-50-100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहाँ कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूँ, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, कहते हर की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे या इनके दान करने जाता है या इनका शिष्यत्व प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते, ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में, इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि जो कुछ भी रजोगुण से
हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से सतीथि पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार। कहते ये उत्पत्ति सतीथि और जो संहार जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका नियमित कारण मैं हूँ, ये मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि इस सर पुरुष ने 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है, उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है, तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब जब उनका उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है किसकी बेटी, हाँक लेता मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट बच जाता है उनमें, हाहाकार बच जाती है, तो उस समय भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। इसी यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इसने, इस कसाई ने 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी हैं, और उस समय कहाँ गई वो दयालुता, जब तुम्हारे बच्चे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं, उस समय हमें वो बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया, तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थाई सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूँ। अब ये गीता ध्यान, गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये कहता कि मेरी भक्ति चार प्रकार के व्यक्ति करते हैं, एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं वो वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते, वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो करते हैं धन लाभ के लिए, गणा धनी बन जाऊँ, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूँ। और दूसरे बताए आर्थ, आर्थ का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्थ होता है दुखी, तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार बांधकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं, जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है, ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत्साधना करके जीवन जन्म ये मोक्ष प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है, बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो करना ही होना है और करना भी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम।
तो जिनको ये पता चल गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रौली कुमारी है। रौली जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं बठिंडा पंजाब से आई हूँ। रौली जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जो भी हमारे मम्मी पापा करते थे वो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, और नवरात्र का व्रत भी रखते थे, शिवरात्रि का व्रत भी रखते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी रखते थे, और जो भी हमारे घर में जो पूजा होती थी हम वो भक्ति साधना करते थे। क्या किसी संत को आपने अपना गुरु बनाया था? जी हाँ, हमने पहले गुरमीत राम रमी जी को गुरु बनाया, फिर उनकी एक साल भक्ति की, फिर छोड़ दिया, फिर हमने संत रामपाल जी फिर हमने आसाराम बापू जी को गुरु बनाया, तो उनकी 5 साल हमने भक्ति की, और भक्ति करने के बाद फिर हमें कोई लाभ नहीं हुआ, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने का ये कारण था कि हमारे घर में बहुत दुख तकलीफ थे, बहुत ज़्यादा। अगर मैं छोटी सी डिटेल बताना चाहूँगी आपको कि जब मैं बचपन में मैंने कभी सुख नहीं देखा, दुख देखा, जब से ये सुख दुख क्या होती है ये मैं जानने की जब हमने कोशिश की तो हमने सुख नहीं देखा। बचपन से ऐसा लगा कि भगवान है कि नहीं है, इस दुनिया में भगवान कहाँ है, कैसा है, हम नीले आकाश की तरफ ही देखते रहते थे कि भगवान अगर है तो इतना दुख क्यों है। क्या क्या तकलीफें थी आपको? भगत जी अगर ये हम देवी देवताओं के सुख दुख जो भी हमें देते हैं, ये लाभ हानि देते हैं, इसका यानी कि हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे, तो हम जैसे भक्ति करते थे, हम जोत जलाते थे, तो सर जी मेरा जन्म एक पुलिस वाले पिता के घर में हुआ, जो शराब पीना, मीट खाना, और जो आना दोस्तों का घर में आना जाना, हमने कभी यानी कि ये नहीं देखा कि पिता का प्यार क्या होता है, यानी कि हम भगवान के बारे में बताना चाहते कि भगवान सुख, ये भगवान सुख क्यों नहीं देते। तो एक ऐसी लाइफ थी हमारी कि जैसे कि अनाथ होते हैं, तो जिसका कोई भी नहीं होता, तो 6 महीने बाद हमारे पापा आते घर पर, तो दर की बोतल रखते, सुबह से रखते और शाम तक हम भगवानों से ये प्रार्थना करते थे, हे दुर्गा माँ हमारी रक्षा करना, हे विष्णु जी हमारी रक्षा करना, हे शंकर जी हमारी आज रक्षा करना, हम यही दुआ करते रहते भगवानों से, लेकिन भगवान हमारी कोई नहीं सुनता। सुबह की दर रखती, मारपीट शुरू करते तो शाम तक चलती, और रात को फिर थोड़ा सा घूमने जाते, फिर दोस्त साथ आ जाते, फिर दारू की बोतल लगते, फिर रात के 12-1 बजे तक बोतल चलती, फिर मारपीट शुरू हमारी मम्मी के साथ, हमारे साथ, यानी कि हमने बचपन मारपीट से ही शुरुआत की। हमने उन भगवानों की भक्ति करते करते, व्रत करते करते, हमने सुख नाम की कोई चीज़ नहीं जानी कि सुख क्या होता है, कैसा होता है। सभी देवी देवताओं की जोत जलाते, व्रत रखते, यानी कि बहुत कुछ करते, लेकिन हमने नहीं जाने। हम यहाँ तक आ गए कि हमने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली। फिर हमने सोचा हमारी भी ज़िंदगी, हम भी जीना चाहते हैं, अगर भगवान यहाँ सुख नहीं देता तो अगले आगे जा के देगा, क्योंकि हम लड़की हैं, हम चले जाएँगे इस घर से, फिर वापस नहीं आएँगे। यानी कि इतना दुख, यानी कि इतना मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, इतना कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं सुना। लेकिन हमने सोचा भगवान कहीं तो है, हम रात को नीले आकाश की तरफ देखते हैं कि भगवान वहाँ ऊपर रहता है तो कभी तो सुनेगा, कहीं तो है, यहाँ से निजात कभी तो मिलेगी, तो ऐसे ही हमारी शादी होगी और हम वहाँ आ गए। तो वहाँ हमने फिर सोचा नई ज़िंदगी की शुरुआत की उस भगवान के ही नाम, तो हमने सोचा कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर भक्ति नहीं सफल होती। तो फिर हमने, हम किराए के मकान में रहते थे भगत जी, तो वहाँ हमने गुरु बनाया गुरमीत राम रहीम जी को, तो वहाँ गुरु बनाया तो हमें कोई भक्ति साधना अच्छी नहीं लगी उनकी, तो ऐसे ही हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो एक माला देते थे और बस वाहेगुरु रूह वहाँ जाएगी, रूह ऐसे करेगी, रूह वो करेगी, रूह वो ऐसे करेगी, तो हमें कुछ जचा नहीं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में रहने वाले थे, तो हिंदू धर्म के कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन उनका ना तो मुसलमान धर्म का था, ना हिंदू धर्म का था, ना सिख धर्म का था, ना ईसाई धर्म का था, कुछ अलग ही था। तो और कोई सुख शांति भी नहीं घर में,
बस वही अपना टाइम पास करना, तो हमने छोड़ दिया एक साल। तो फिर हमने कोई गुरु नहीं बनाया। फिर सर जी हमारे यानी कि दौड़े पड़ने शुरू हो गए, हमको बहुत दौड़े पड़ते थे, यानी कि हम खाना और सोना दो ही काम जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। तो हमने सोचा यहाँ भी दुख वहाँ भी दुख, माँ बाप के घर में भी दुख, क्या दुख, भगवान है नहीं इस दुनिया में। तो फिर तो हम ऐसे ही चलती रही, गाड़ी चलती रही, ऐसे ही बस परमात्मा के सहारे जीते रहे कि परमात्मा कहीं तो है, कुछ तो है। फिर हम किसी दोस्त के घर गए हुए थे, तो वहाँ उनके भूत प्रेत बांधा थी, तो वहाँ वो किसी मंदिर में जाते थे, बठिंडा जोगी नगर टिब्बे के पास बालाजी का मंदिर था, वहाँ अमर सिंह चौहान मंदिर का पुजारी था। तो उसने हमको देखा तो उसने कहा कि इस बेटी पर भी भूत प्रेत की बांधा है। तो हमने कहा नहीं नहीं हमसे तो ऐसे नहीं हो सकता, हमारे पर तो कोई नहीं है, हम तो ठीक है। तो कह नहीं नहीं है, इनके कोई नीले नीले निशान पड़ते होंगे तुम्हारे शरीर पर है। तो बोले कि हमने सोचा हाँ पड़ते तो है, नीले नीले निशान बहुत पड़ते हैं हमारे शरीर पर, तो हम दिखाते भी थे कि पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन मंगलवार को इनको लेकर आना। तो मंगलवार को हम चले गए, तो सर जी मंगलवार को जैसे ही हम गए, तो जैसे कि एक बैल होता है ना जो किसी को मारने के लिए ढूंढता है, ऐसे हम पूरे में जिसका इतना बेड़ा था, हम पूरे में घूमते रहे, कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में, ऐसा लगे कि लगता है आज हमारा अंतिम दिन है। तो उन्होंने खूब यानी कि हमें पता नहीं क्या किया हमारे ऊपर, हमें बहुत ज़्यादा यानी कि शारीरिक कष्ट हुआ। तो हम घर पर आ गए, तो उन्होंने कहा कि देख ला मैंने बोला था ना इनके ऊपर प्रेत बांधा है। तो फिर हमने कहा हम क्या करें फिर, कि आप ऐसे करो कि एक दो मंगलवार इनको लेकर आओ और बालाजी महाराज ना, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज है, सब ठीक कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है हम लेकर आएंगे। वो मेरे भगत जी बोले कि ठीक है लेकर आएंगे। तो लेकर गए, तो भगत जी उन्होंने दो तीन मंगलवार ऐसे ही हमको घुमाया, महीना साल बीत गई। तो मेरे पति है जो, उनको वो बोले कि भाई ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप ऐसे करो कि इनको चूरमा चढ़ाओ, देसी घी का चूरमा चढ़ाओ सवा मन्नी का, तब ये ठीक होंगी। तो हमने कहा भाई घर में खाने के लिए तो घी नहीं है और सवा मन्नी का चूरमा चढ़ाएंगे तो ठीक है, अपने कष्ट दूर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो फिर घी का चूरमा चढ़ाया काफ़ी सारा, तो उन्होंने बांटा, एक बार चढ़ाया, दो बार चढ़ाया। फिर मेरे पतिदेव बोलते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं होती भाई, अभी हमने तो चूरमा भी चढ़ा दिया, आपने बोला कि आप ऐसे करो कि चांदी का छत्र चढ़ाओ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराई, तो जाके हम वहाँ भी ठीक नहीं हुए, जो भी हमारी बीमारी थी ठीक नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि आशाराम के किसी को गुरु बना ले दोबारा से तो हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने संत आशाराम जी को गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद हमने भी वहाँ भी जो भी उन्होंने क्रियाक्रम हमें बताए, हमने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति साधना की, जो भी है, यहाँ तक कि हमारे अखंड ज्योत भी जलती थी और तुलसी में अलग ज्योत जलाते थे, यानी कि सारा हम करते थे जो भी बताते थे, एकादशी का व्रत, वीरवार का व्रत, इतवार का व्रत, अक्षय तृतीया का व्रत, यानी कि सब कुछ करते थे जो भी वो बताते थे। तो उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। फिर वो उत्तरायण पर बुलाते थे हमको कि उत्तरायण पर ऐसा करो, अब कभी भी ना सत्संग में आ सको तो ऐसे करो, साल में एक बार आ जाओ उत्तरायण पर, तो उस सारी आपकी यानी कि जितनी भक्ति बैटरी है वो चार्ज हो जाती है उत्तरायण पर, पर्व पर। तो वहाँ लाखों की संख्या में यानी कि जो भी जितने भगत उनके अनुयायी वहाँ आया करते थे, तो हम भी वहाँ जाते अहमदाबाद। तो फिर घर आके फिर हम वही बीमार रहने लगे। तो हमने कहा कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमारी बीमारी नहीं जाती तो हम क्या करें। फिर धीरे धीरे हमारा मन इन भक्ति से हटने लगा, जो हम दो घंटे लगाते थे भक्ति में, वहाँ हमारा एक मिनट भी दिल नहीं लगता, ऐसे लगता कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भगवान। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मेरा और मेरे हस्बैंड का सर जी झगड़ा चल रहा था, तो इसी टाइम कोई किसी ने बैल बजाई और वहाँ पर जब जाकर देखा तो कोई ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर खड़ा था। तो मेरे पतिदेव ने वो किताब ली तो लेकर के अंदर बेड पर रखी, हमने भी देखा कि कोई किताब है तो अंदर रखी, हमने जल्दी से काम किया और उस किताब को पढ़ा। तो पढ़ के हमें ऐसा लगा कि हम तो इन्होंने जो नियम लिखे हैं वो नियम हमें कुछ जचे नहीं,
तो जचे नहीं तो मेरे पति देव है वो तो गाड़ी पर चले गए, गाड़ी चलाते रहे, टक चलाते हैं मेरे पति देव, तो वो तो गाड़ी पर चले गए। लेकिन जो हमने पीछे से किताब पढ़ी उसमें जो नियम लिखे होते हैं जो भी होता है वो हमें कुछ जचे नहीं, क्योंकि हम तो जब बीमार होते हैं एक हफ्ते के लिए तो हम रसोई में खाना बनाने भी नहीं जाते। और ये संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे भक्ति करो, यानी कि जो भी हो, जो भी हालात हो उसमें सब हालातों में भक्ति करो। तो हमने वो किताब रख दी, पढ़ी थोड़ी सी, जो नियम पढ़े वो हमने रख दी। तो फिर इतना यानी कि कलेश हमारे घर में हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया भगत जी, मरने की कोशिश की हमने, यानी कि कोशिश किया कि अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर हमने दोबारा से फिर उस किताब को पढ़ा, जब हद से बाहर ही हो गया, यानी कि इतना कष्ट के बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की दोबारा से किताब को उसको पढ़ा। तो जब पूरी किताब हमने पढ़ा ना, तब हमें कालजाल समझ में आया, तब सारा शुरू से लेके और अंत तक हमें समझ में आया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था और किस दृष्टि से हो रहा था। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ हमने 10 अगस्त 2014 को नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आपको बहुत सारी समस्याएँ थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं का समाधान हुआ? हाँ सर जी, निवारण हुआ कि पहले तो हमारी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। और फिर मुझे क्या ना, जो दौड़े पड़ते थे वो भी ख़त्म हो गए, बिल्कुल यानी कि एकदम नॉर्मल हो गए सारा कुछ। फिर एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे, नामदान पर जा रहे थे, तो वहाँ से आ रहे थे तो किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया तो हमारे ऐसे फ़ोन लगा था कान पर, बातों में इतने यानी कि हम वो हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि आगे लेन भी क्रॉस करनी है हमको। हाँ, प्लेटफार्म पर लेन को यानी कि क्रॉसिंग करते हैं तो ऊंचा प्लेटफार्म होता है, तो ऊंच नीचे से कूद करके हमें पल्ले प्लेटफार्म पर जाना था। तो हम बातें करते करते चले जा रहे थे तो ऐसे कैसे जब हमने वो क्रॉसिंग कर ली, तो क्रॉसिंग करने के बाद हम प्लेटफार्म आए, तो प्लेटफार्म पर जैसे नींद से जगते हैं ना, ऐसे जगे कि हमने ऐसे ना तो हम बैठे ना कैसे कैसे क्रॉस कर लिया हमने, परमात्मा ने हमको किस तरीके से क्रॉस कराया। फिर दूसरा हमें लाभ ये दिया सर जी कि हम किसी रिश्तेदारी में गए थे, तो वहाँ बहुत तेज अचानक ही पेट में दर्द था जो कभी नहीं हुआ, तो वहाँ डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टीका लगाया, दवाई दिया, नहीं सारा कुछ दिया, तो उन्होंने कहा जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हम आए रास्ते में तो फिर हम दूसरी जगह रुके, वहाँ फिर दूसरे दिन हमारे वही हालत शुरू हुई, वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दवाई से ठीक होते हैं तो होते हैं और नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है, इनको यहाँ से ले जाओ। फिर हम अपने यहाँ घर पर बठिंडा आ गए तो यहाँ भी दिखाया, डॉक्टर को दिखाया तो यहाँ भी कहते हैं कि पता नहीं लग रहा इनका कि है क्या चीज़, तो सारी दवाइयाँ हमने उनको दिखाई, कहते दवाई तो सारी ठीक है पर पता नहीं लग रहा इनका। तो एक आरती हो रही थी, तो आरती होती होती फिर अचानक दर्द उठाया, तो मेरे बच्चों ने मुझे परमात्मा का शरणामृत दिया, संत रामपाल जी महाराज के उस शरणामृत को पीकर और उस प्रसाद को खाकर, संत रामपाल जी महाराज के प्रसाद को खाकर हमें आज तक वो दर्द नहीं हुआ, ना ही कोई हमने चेकअप कराया, ना ही कोई यानी कि इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं, परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम आज तक ठीक है। फिर हमें तीसरा लाभ हुआ सर जी के, हम कपड़े धुल रहे थे तो बहुत जल्दी में थे, तो हम तीसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने के लिए गए थे, तो वहाँ लकड़ी की पौड़ियाँ हमारी, तो नीचे थोड़ा पानी भरा था, हमने वहाँ ईंट रख दी थी, तो सर जी हम जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे तो हमारा पैर फिसल गया ईंट से पैर फिसला, तो हमारा पैर एकदम टेढ़ा हो गया, बहुत तेज़ आवाज़ भी आई और यानी कि ऐसा लगा कि पैर टूट गया, तो पैर टूट गया, हम वहीं बैठ गए। तो मैं आज तो यानी कि पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता। तो फिर हम 10-15 मिनट वहीं बैठे रहे, धीरे धीरे करके हम उठे, तो देखा हमने पैर पर दबाव डाल के फिर चले, तो कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमस्कार किया हमने, हे परमात्मा, हे बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने हमको तो इतना बचाया कि आज पैर टूट जाता तो मेरे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं था। संत रामपाल जी की कृपा से हमें मन में थोड़ा सा कपट, थोड़ा सा वो आ गया कि पता नहीं पैर टूटा भी था कि नहीं भी टूटा था, ऐसे ही था, तो सारा काम कर लिया। रात को जब हमें जो पाप मन में हमारे आया थोड़ा सा, उसकी वजह से रात को पैर इतना दर्द सर जी कि पूछो मत, है बहुत ज़्यादा दर्द, और पैर सूज कर इतना हो गया,
तो मैंने कहा, तो मैंने अपने पति देव को बताया, तो हमने सुबह अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे बात हो गई थी और ऐसे यानी कि पैर ऐसे हो गया। तो कहते तुमने दिन में तो सारा काम कर रही थी, तो हमने कहा कि सारा परमात्मा ने यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा तो लिया था, लेकिन हमारे मन में थोड़ा सा पाप आ गया था कि शायद पैर टूटा भी है कि नहीं टूटा। तो वो बोले कि फिर भुगतो। तो हमें इतना रोए, हम संत रामपाल जी महाराज के सामने इतना रोए कि हे गुरुदेव हमें ठीक कर दो, ए गुरुदेव हमें ठीक कर दो। तो गुरुदेव को यानी कि दया आई, टूटा पैर हमारा परमात्मा ने हमें जोड़ दिया, यानी कि इतना वो किया परमात्मा ने हमें हमारे साथ कि हम बता नहीं सकते। जो पैर हमारा था इतना हो चुका था कि हम सोच रहे थे आजीवन हम बेकार हो गए पैर से, हमें परमात्मा अब हमें क्षमा नहीं करेंगे जो हमारे मन में पाप आया है, लेकिन परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने हम पर दया की और हमारा टूटा पैर फिर से ठीक कर दिया। कोई दवाई नहीं खाई, कोई कुछ भी नहीं खाया, और परमात्मा ने ऐसी रजा की हम पे संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हमारा टूटा पैर ठीक कर दिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी जिससे आप बहुत परेशान थे, इस समस्या का समाधान के लिए आप डेरा सच्चा सौदा भी गए, आसाराम बापू के पास भी गए, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते हो और आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है आपको, तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया? सबसे कारण यह है सर जी कि संत रामपाल जी महाराज का जो हमने ज्ञान सुना, जो पढ़ा, हमने ज्ञान सुना तो नहीं था लेकिन हमने जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमें सब गुरु धर्म गुरुओं से भिन्न भिन्न यानी कि सबसे अलग ज्ञान पाया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको अलग लगा, तो बहन जी अलग से ज्ञान तो आपको डेरा सच्चा सौदा का भी लगा। उन्होंने जो आपको साधना बताई न तो वो हिंदुओं की साधना थी न मुसलमानों से मेल खाती थी, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का जो अलग ज्ञान है वो सही कैसे है? वो सही ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता खोलकर बताते हैं, सभी चारों वेदों को, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, सूक्ष्मवेद, यजुर्वेद, इन सबको खोल खोल कर ऐसे उंगली रख रख कर बच्चे की तरह संत रामपाल जी महाराज जी हमको समझाते हैं, सबको समझाते। तो एक और वो जो गीता और वेदों का ज्ञान देते हैं और जो भी यानी कि ज्ञान है उनका, वो एकदम ऐसा ज्ञान है जैसे कि प्रधानमंत्री मोहर मारता है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमारे दिल पर मोहर मारता है। तो और जो और धर्मगुरु हैं वो सिर्फ ढोलक मजीरे बजा बजा कर और सिर्फ भागवत में से जो लोक वेद की कहानियाँ उनको सुना सुना कर रिझा देते हैं, बस हो गया सत्संग। तो हमें सबसे बढ़िया सर जी ये बात लगी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान भी है और हर दुख मुसीबत यानी कि समाधान भी है, वो हर कष्ट को काटने में सूक्ष्म है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं तुझ जी प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो भी यहाँ कालजाल में सभी आत्माएं भटकी हुई है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो इस पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी चले हुए हैं, जगह जगह ज्ञान गंगा के प्रचार भी हो रहे हैं है। तो आप यानी कि परमात्मा से नामदान लो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लो और अपना कल्याण कराओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें